उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण के लिए शिवसेना ने तैयारियां तेज कर दी है। सूत्रों की माने तो शपथ ग्रहण में राज ठाकरे को भी न्योता भेजा जा रहा है। इसके अलावा ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अशोक गहलोत, अखिलेश यादव समेत अन्य नेताओं को भी न्योता भेजा जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले संजय रावत बयान दे चुके हैं कि उनकी ओर से पीएम मोदी, अमित शाह को भी न्योता दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के शपथ ग्रहण में जाने पर सस्पेंस लगातार बरकरार बना हुआ है। महाराष्ट्र विधानसभा में नए विधायकों को प्रोटेम स्पीकर कालिदास कालिंबकर ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। विशेष सत्र के शुरू होने से पहले विधानसभा के गेट पर एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने विधायकों का स्वागत किया। शरद खेमे में अजीत पवार को गले लगाकर ये संदेश दिया कि पार्टी और परिवार में सब कुछ ठीक है। सुप्रिया सुले ने आदित्य ठाकरे का गर्मजोशी से स्वागत किया। मुंबई में महाविकास अघाड़ी गठबंधन की शरद पवार के घर सिल्वर ओक में बैठक जारी है। मंत्रिमंडल को लेकर हो रही इस बैठक में तीन दलों के नेता मौजूद हैं। बैठक में शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुप्रिया सुले, अहमद पटेल, मल्लिकार्जुन खड़गे, बाला साहब थोराट, पृथ्वीराज चौहान भी शामिल हुए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता नवाब मलिक ने अजीत पवार के बारे में बड़ा बयान दिया है। नवाब मलिक ने कहा कि अजीत पवार ने अपनी गलती मान ली है, अजीत एनसीपी में ही है और पार्टी में उनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में आखिरकार शिवसेना का मुख्यमंत्री बनने वाला है। उद्धव ठाकरे गुरुवार शाम को सीएम पद की शपथ लेंगे। शिवसेना के सत्ता में आने से संजय रावत काफी खुश नजर आए। रावत ने एक बार फिर ट्विटर पर शायरी साझा कर खुशी का इजहार किया। रावत ने ट्विटर पर लिखा, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने भावुक ट्वीट किया है। फडणवीस की पत्नी का ये ट्वीट तब आया जब उनके पति ने महाराष्ट्र के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इस ट्वीट में एक गजल की पंक्तियों का जिक्र करते हुए अमृता फडणवीस ने लिखा कि पलट के आऊंगी शाखों पे खुशबुएं लेकर, खिजा की जिद में हूँ, मौसम जरा बदलने दो। आईएएस अफसर अशोक खेमका ने इशारों ही इशारों में महाराष्ट्र की सियासत पर तंज कसा है। अशोक खेमका ने अपने ट्विटर पर लिखा, विधायकों की खरीद फरकोत, उन्हें बंधक बनाना सभी जनसेवा के लिए की जाती है। जनसेवा जैसा शुभ अवसर छोड़ा नहीं जाता। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। संकल्प पत्र में गरीब, आदिवासी, किसान और गांव रोजगार पर जोर दिया गया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, अर्जुन मुंडा, चुनाव प्रभारी ओम प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ, एनसीपी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविचार नेताम और सीएम रघुवर दास भी मौजूद रहे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के खिलाफ दिसंबर के पहले सप्ताह में पुनर्विचार याचिका दायर करने का निर्णय ले लिया है। पर्सनल लॉ बोर्ड ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। बोर्ड के सचिव और वरिष्ठ वकील जफरयाब जलानी ने कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने पुनर्विचार याचिका दायर करने से वोट पर कोई विपरीत कानूनी प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि सभी मुस्लिम संगठन पुनर्विचार याचिका दायर करने को लेकर एक राय रखते हैं। इसरो ने देश की सुरक्षा के लिए इतिहास रच दिया है। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से मिलिट्री सैटेलाइट कार्टोसेट 3 सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। चंद्रयान 2 के बाद यह इसरो का बड़ा मिशन है। जरूरत पड़ने पर भारतीय सेना इस सैटेलाइट की मदद से सर्जिकल या एयर स्ट्राइक भी कर पाएंगे। कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने रायबरेली सदर से पार्टी विधायक अदिति सिंह की सदस्यता खत्म करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष के सामने एक याचिका दायर की। ये याचिका उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्य दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता नियमावली 1987 के तहत दी गई है। अदिति सिंह ने पार्टी व्हिप के खिलाफ जाकर 2 अक्टूबर से आहूत किए गए 3 दिवसीय विशेष सत्र में हिस्सा लिया था, जबकि पार्टी हाईकमान ने इस विशेष सत्र में हिस्सा न लेने के लिए कहा था। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को संपत्ति का मालिकाना हक प्रदान करने के लिए लोकसभा में पेश किए गए विधेयक को बहुत बड़ा धोखा बताया है।
आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि इन क्षेत्रों में निवासियों के घरों की रजिस्ट्री विधानसभा चुनाव से पहले हो जानी चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी के बाद वहां की महिलाओं को मानसिक स्थिति के बारे में बताते हुए बयान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शराबबंदी के बाद महिलाएं उनसे बताती है कि शराबबंदी से पहले उनके पति क्रूर नजर आते थे, वही पति अब अच्छे लगते हैं। पटना में नशा मुक्ति दिवस के मौके पर नीतीश ने ये कहानी वहां मौजूद लोगों को बताई। दिल्ली में पानी की गुणवत्ता के मामले पर शुरू हुई राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही। उपभोक्ता मामले के मंत्री रामविलास पासवान ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से पत्र लिखा है। अपने पत्र में पासवान ने केंद्र और दिल्ली सरकार की संयुक्त जांच टीम बनाने की मांग दोहराई है। साथ ही केजरीवाल पर भारतीय मानक ब्यूरो की साख धूमिल करने की कोशिश का भी आरोप लगाया है। पानी की गुणवत्ता पर 21 शहरों की रैंकिंग आने के बाद अब सरकार साफ पानी पीने की मुहिम और तेज करने जा रही है। गुणवत्ता की रिपोर्ट पर अमल के लिए भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS ने सभी राज्यों की बैठक बुलाई है। 9 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित होने वाली बैठक में सभी राज्यों में जल आपूर्ति से जुड़े विभागीय अधिकारियों को बुलाया गया है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाके में बर्फबारी होने और कुछ जगहों पर बारिश होने से पारा नीचे चला गया है। मौसम के बदलते इस मिजाज ने पूरे हिमाचल में ठंड बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 2 दिनों में हिमालय प्रदेश के कुछ स्थानों पर बारिश और बर्फबारी के लिए येलो वेदर की चेतावनी जारी कर दी। देश के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक 26 नवंबर को किए गए अपने एक ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर ट्रॉल हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने अपनी बेटी के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा था, हर्ष और गौरव से आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि मेरी छोटी बेटी विदुषी निशंक ने MET विश्वविद्यालय की लॉ की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक हासिल कर लिया है। इसके बाद काफी लोगों ने शिक्षा मंत्री और उनकी बेटी को सफलता के लिए बधाई दी, लेकिन कई लोगों के सवाल भी खड़े हो गए हैं। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में देर रात डकैतों ने एक बिल्डर के बंगले पर डाका डाल दिया। डकैतों ने हथियार दिखाते हुए पहले गार्ड को बंधक बनाया, फिर बंगले में घुसकर परिवार को बंधक बना लिया। इस वारदात में सोने चांदी के आभूषण और नकदी मिलाकर डकैत लाखों का माल ले उड़े। घटना का वीडियो CCTV में कैद हो गया है। हरियाणा के रतिया में चोरों ने स्कॉर्पियो गाड़ी चोरी कर ली। बताया जा रहा है कि रतिया मॉडल टाउन में चोरों ने धक्का मारकर स्कॉर्पियो गाड़ी पर हाथ साफ कर दिया। चोर स्विफ्ट गाड़ी में आए थे। चोरों की करतूत गली में लगे CCTV में कैद हो गई। पीड़ित मालिक ने शहर थाने में शिकायत दर्ज की, जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। छत्तीसगढ़ की सरकारी राशन दुकानों के रंग को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व CM और BJP के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के बयान से प्रदेश के सत्तारूढ़ कांग्रेस ने BJP के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दोनों ही राजनीतिक दल इस मुद्दे पर एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। मध्य प्रदेश में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। राजधानी भोपाल से सटे विदिशा जिले में नसबंदी कराने आई महिलाओं को इलाज के बाद जमीन पर लिटा दिया गया। जिले के ग्यारपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नसबंदी कराने आई 41 महिलाओं को जमीन पर गद्दा और चादर डालकर लिटाया गया है। मामले का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। जिले के CMO AK अहिरवार ने मामला सामने आने के बाद जांच के आदेश दिए हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट एक जनहित याचिका के सिलसिले में सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार के पेश नहीं होने से नाराज है। कोर्ट ने आनंद को 28 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था। चीफ जस्टिस अजय लांबा और जस्टिस AM बुजारू बहुआ ने कुमार को उन 5 छात्रों और उनके अभिभावकों को 10,000 रुपए मुआवजा अदा करने का भी आदेश दिया है, जिन्होंने कोर्ट के समक्ष दावा किया कि सुपर 30 में दाखिलों के नाम पर उनसे धोखाधड़ी की गई है। आधुनिक तकनीक से लैस होने वाली रेलवे ने एक कदम को और आगे बढ़ा दिया। अगर
टॉयलेट परफेक्ट रहा तो जल्द ही रेल पटरियों पर एक सुपर मशीन भी दिखाई देगी। रूस से आई इस मशीन का नाम अल्ट्रासोनिक फ्लोर डिटेक्शन है। रेल पटरियों पर होने वाले हादसे से बचने के लिए रूस से फिलहाल दो सुपर मशीनें को लाया गया है, जिन्हें ट्रायल के लिए दिल्ली से रतलाम और दिल्ली से दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर इस्तेमाल किया जा रहा है। गुरमीत राम रहीम की सबसे बड़ी राजदार मानी जाने वाली हनीप्रीत उनसे मिलने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही। 25 अगस्त 2017 में हरियाणा के पंचकुला हिंसा मामले में लगभग दो साल अंबाला जेल में बिताने के बाद जमानत पर बाहर आई हनीप्रीत ने अब हरियाणा के गृह मंत्री के जनता दरबार में राम रहीम से मुलाकात करने की गुहार लगा रही है। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन ने जन्मदिन पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चन परिवार समेत साहित्य और फिल्म जगत की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई। हिंदी के प्रमुख कवियों में से एक हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला सबसे मशहूर कृति है। सिखों के लिए करतारपुर कॉरिडोर खोले जाने के बाद अमेरिका के एक समूह ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से भारत के साथ खोखराखार मुनाबला बॉर्डर को फिर से खोलने की गुहार लगाई है। अमेरिका के एडवोकेसी समूह ने पाक प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि इमरान खान लाखों मुस्लिम और हिंदू श्रद्धालुओं के लिए इस सीमा को फिर से खोल दे। शादी के बंधन में बनने वाले 250 कपल ने बैंकॉक में आयोजित वार्षिक रनिंग ऑफ द ब्राइड्स कार्यक्रम में भाग लिया। रेस के दौरान महिलाओं के लिए गाउन और दूल्हे के लिए एक सूट ड्रेस कोड था। इस रेस में जीतने वाले जोड़े को $28,000 इनामी पुरस्कार राशि रखी गई थी। इस रेस को देखने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचे थे। पाकिस्तान आर्मी प्रमुख कमर जावेद बाजवा की सेवा विस्तार पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कमर जावेद बाजवा को अपने पद से 29 नवंबर को रिटायर होना था, लेकिन इमरान खान ने उनके रिटायरमेंट से 3 महीने पहले उनकी सेवा विस्तार का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन को सस्पेंड कर नोटिस जारी कर दिया है। भारत से निर्यात बंद होने के बाद और पाकिस्तान में टमाटर सहित कई चीजों के दाम बढ़ गए हैं। टमाटर की कीमत से पाकिस्तान में जनता का बुरा हाल है। टमाटर के भाव 500 रुपए तक पहुंच चुके हैं। बढ़ती हुई टमाटर की कीमत पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान ईरान से टमाटर की मांग कर रही है। दो फुट लंबे बुरहान सिद्दीकी की शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बना रहा है। पाकिस्तान में बोबो के नाम से मशहूर बुरहान चिश्ती ने फौजियो नाम की लड़की से शादी रचाई है। फौजिया 6 फीट लंबी है और बेहद खूबसूरत भी है। ये शादी नॉर्वे की राजधानी ओस्ला में हुई, जिसमें 13 देश के लोग शिरकत करने पहुंचे। दोनों की शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इटली के वेनिस शहर में भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। वेनिस में आई बाढ़ के बाद एक शख्स सेल्फी लेने के दौरान हादसे का शिकार हो गया। सेल्फी स्टिक को पकड़कर 2-4 कदम आगे की ओर बढ़ते हुए शख्स का पैर पानी से भरे गड्ढे में चला गया और वो उसी में सेल्फी स्टिक के साथ गिर गया। जानकारी के मुताबिक वेनिस में 188 सेंटीमीटर बारिश हुई और 1966 से लेकर ये अब तक की सबसे ज्यादा बारिश बताई जा रही है। हांगकांग के अधिकार विधेयक पर चीन और अमेरिका में ठन गई है। इस मामले पर विपेश चिन ने अमेरिका राजदूत टेरी ब्रेनस्ट को तलब किया है, ताकि वो ट्रंप प्रशासन से हांगकांग में लोकतंत्र पक्षघरों का समर्थन करने संबंधित कांग्रेस के दोनों चैंबरों द्वारा पारित विधेयक को निरस्त करने की मांग कर सके। चीन ने हांगकांग मानवाधिकार एवं लोकतंत्र विधेयक के प्रति कड़ी आपत्ति जताते हुए अमेरिका को चेताया है कि वो सभी तरह के परिणामों को भुगतने के लिए तैयार रहे। वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज क्रिस गेल भारत में 3 वनडे मैच खेलने नहीं आएंगे। क्रिस गेल ने कहा है कि वो 2020 की अपनी योजनाओं पर ध्यान देना चाहते हैं। भारतीय टीम को वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज खेलनी है, जिसका पहला मैच 6 दिसंबर को मुंबई में होगा। वनडे सीरीज 15 दिसंबर से शुरू होगा। गेल का T20 मैचों में खेलना भी अभी तक तय नहीं माना जा रहा है।
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अगले साल होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग के बाद अपने भविष्य के बारे में फैसला कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले एक महीने में धोनी लगातार कड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं। अपनी फिटनेस को बरकरार रखने के लिए वो जमकर पसीना बहा रहे हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के हारने के बाद से धोनी ने क्रिकेट से ब्रेक ले रखा है। बांग्लादेश के खिलाफ तेज गेंदबाजी के शानदार प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया के लिए एक और अच्छी खबर है। चोट की वजह से बाहर चल रहे जसप्रीत बुमराह जल्द ही क्रिकेट के मैदान पर वापसी कर सकते हैं। बुमराह ने खुद क्रिकेट के मैदान पर वापसी के संकेत दिए हैं। बुमराह ने सोशल मीडिया पर अभ्यास सत्र के बाद टूटे स्टंप के साथ एक वीडियो साझा कर संदेश दिया कि वो वापसी की राह पर है। बुमराह ने फोटो के साथ लिखा, खत्म सीजन का अंत स्टंप के साथ खत्म। नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में नेहरू कप के फाइनल मैच के दौरान अलग अलग टीमों के खिलाड़ी आपस में भिड़ गए। पंजाब पुलिस और पंजाब नेशनल बैंक के खिलाड़ी एक दूसरे से बुरी तरह उलझ गए। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने हॉकी से एक दूसरे पर हमला कर दिया। दोनों टीमों के बीच हुई लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल ने चौथे और पांचवें दिन का टिकट खरीदने वाले क्रिकेट फैंस को पैसे वापस करने का फैसला ले लिया है। सीएबी में कहा गया है कि चौथे और पांचवें दिन के टिकटों के लिए रिफंड करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। ये मैसेज उन सभी ऑनलाइन ट्रांजैक्टर्स को भेजा जाएगा जिन्होंने केवल इन दो दिनों के लिए ही बुकिंग करवा के रखी थी। दिसंबर में होने वाले साउथ एशियन गेम्स के लिए भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन इस बार दिग्गज खिलाड़ियों की टीम में जगह नहीं मिली है। एम्पायर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 12 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। 13वें साउथ एशियन गेम्स में कबड्डी इवेंट 4 दिसंबर से 9 दिसंबर तक नेपाल में आयोजित होगा। सव्यसाची को रानी मुखर्जी का एक फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करना काफी महंगा पड़ गया। उनके इस फोटो पोस्ट करने की वजह से रानी मुखर्जी सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल की जा रही है। रानी अपनी अपकमिंग फिल्म मर्दानी के प्रमोशन के दौरान डिजाइनर सव्यसाची के सूट सलवार के साथ कोल्हापुरी चप्पल में नजर आई, जिसे देखते ही लोगों को रणवीर सिंह की ड्रेस याद आ गई और उन्होंने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म ब्रह्मास्त्र की शूटिंग को लेकर काफी बिजी हैं। फिल्म की शूटिंग के लिए आलिया और रणबीर हिमाचल प्रदेश पहुंचे, जहां दोनों का शानदार स्वागत भी किया गया। इस दौरान आलिया भट्ट स्काई ब्लू और सफेद रंग की पैंट पहने नजर आई, तो वहीं रणबीर ऑल ब्लैक लुक में नजर आए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की सीरीज मेक माफिया ने इन साल गाला में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड अपने नाम कर लिया है। इस अवार्ड को हासिल करने नवाजुद्दीन खास रूप से गए थे और बहुत ज्यादा खुश भी नजर आए। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स गाला में ये सुंदर ट्रॉफी पाकर बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे सबसे पसंदीदा निर्देशक जेम्स वाटिकन्स को मेक माफिया में उनके शानदार काम के लिए शुभकामनाएं। अभिनेता अनुपम खेर ने फैंस के साथ एक बेहद भावुक मुलाकात का वीडियो अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। विदेश में अनुपम खेर की मुलाकात उनके फैन से हो गई। इस दौरान एक फैन ने अनुपम से हिंदी में बात की। विदेशी फैन की हिंदी ने अनुपम खेर को काफी ज्यादा इम्प्रेस कर दिया। फिल्म अभिनेत्री तापसी पन्नू ने हाल ही में अपने अमिताभ बच्चन से अपनी नाराजगी जाहिर की है। तापसी का कहना है कि उन्हें उनकी फिल्म बदला के लिए उतना क्रेडिट नहीं दिया गया जिसकी वो हकदार थी। फिल्म के हीरो के मुकाबले ज्यादा समय स्क्रीन पर रहने के बाद भी इसे अमिताभ बच्चन की ही फिल्म कहा गया। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन अपनी आने वाली फिल्म कूली नंबर 1 की शूटिंग के दौरान एक हादसे का शिकार हो गई। हालांकि गनीमत ये रही कि इस दौरान उन्हें कोई चोट नहीं लगी। दरअसल वरुण को फिल्म के लिए एक एक्शन सीन शूट करना था जिसमें उन्हें उल्टी लटकती हुई कार में बैठकर शॉट देने थे। इसके लिए वरुण का क्लोजअप शॉट लिया जाना था।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उठापटक के दौर में देश में पेट्रोल डीजल का भाव नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। मंगलवार को देश भर के 4 बड़े शहरों में पेट्रोल और डीजल का भाव 1 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। हालांकि आज पेट्रोल डीजल के दामों में आज किसी भी तरह का बदलाव नहीं देखा गया। वहीं शेयर बाजार की शुरुआत आज बढ़त के साथ हुई। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 254 अंक चढ़कर 41,075.76 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी में 70 पॉइंट की तेजी आई, जिसके बाद निफ्टी 12,108 अंक तक कारोबार करता हुआ नजर आया। कर्ज के बोझ तले दबे अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की कंपनी रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग के शेयर में 9 सितंबर से रैली चल रही है और ये 85 पैसे के अपने रिकॉर्ड निचले स्तर से चढ़कर मंगलवार को 7.67 रुपए पर चला गया। कंपनी के शेयर बाजार में 2009 में लिस्टिंग हुई थी और ये पहली बार है जब कंपनी का शेयर लगातार चढ़ रहा है। रिकॉलिंग की सर्विस खत्म करने के बाद अब रिलायंस जियो ने अपने यूजर को एक और झटका देने की तैयारी कर ली है। कंपनी ने अब जियो फाइबर के प्रीव्यू ऑफर को बंद कर दिया है। कंपनी ने अब प्रीव्यू ऑफर वाले यूजर्स को भी पेड प्लान में शिफ्ट करने की तैयारी कर ली है। इससे पहले कंपनी प्रीव्यू ऑफर के तहत यूजर्स को 1000 Mbps की स्पीड पे 1100 GB डेटा देती थी। टीवीएस मोटर कंपनी ने मंगलवार को इंडियन मार्केट के 2020 अपाचे आरटीआर 164V और अपाचे आरटीआर 204V लॉन्च कर दी है। दोनों की बाइक में BS6 नॉर्म्स के मुताबिक इंजन और एडिशनल फीचर्स दिए गए हैं। दोनों मोटरसाइकिल टीवीएस मोटर कंपनी की लाइनअप में पहले प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें नए एनिमेशन नॉर्म्स के हिसाब से अपग्रेड किया गया है। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने ऑल्टो 800 के BS6 मॉडल पर डिस्काउंट देने का फैसला ले लिया। 796cc के इंजन की क्षमता वाली इस कार पर कंपनी 53,000 तक का डिस्काउंट दे रही है। इसमें 33,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 15,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस और 5,000 रुपए का कॉर्पोरेट डिस्काउंट शामिल है।